आगामी 1 से 12 अप्रैल तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए हॉकी इंडिया ने गुरुवार को 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। इस 20 सदस्यीय टीम में झारखंड की 3 महिला हॉकी प्लेयर को जगह मिली है। इसमें सलीमा टेटे को टीम का कैप्टन बनाया गया है, जबकि संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को भी टीम में जगह मिली है। हाल के समय में भारतीय जूनियर टीम का विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 में रहा, जब उसने शूटआउट में इंग्लैंड को हराकर कांस्य पदक जीता था। भारतीय टीम को पूल डी में जर्मनी, मलेशिया और वेल्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 2 अप्रैल को वेल्स के खिलाफ करेगी, जबकि एक दिन बाद 3 अप्रैल को जर्मनी से भिड़ेगी। टीम अपना अंतिम ग्रुप मैच मलेशिया के खिलाफ 5 अप्रैल को खेलेगी। क्वार्टर फाइनल 8 अप्रैल को, जबकि सेमीफाइनल 10 अप्रैल को खेले जाएंगे। फाइनल मैच 12 अप्रैल को होगा। बता दें कि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में चयनित तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं। 20 सदस्यीय महिला टीम की कैप्टन के लिए भी झारखंड की ही बेटी सलीमा टेटे को बनाया गया है, जो टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन भी कर चुकी हैं। सिमडेगा जिला की सलीमा टेटे सदर प्रखंड की बड़की छापर गांव की रहने वाली हैं, जबकि ब्यूटी डुंगडुंग और संगीता कुमारी किरसई प्रखंड के करगागुड़ी की रहने वाली हैं। वर्तमान समय में तीनों ही खिलाड़ी भुवनेश्वर में चल रहे कैंप में अपना प्रशिक्षण ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।